दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसी दिन अहोई माता यानी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और उन्नति के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन अपनी संतान के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है तो उनके लिए भी ये व्रत विशेष माना गया है। इस बार अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर यानी आज रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर को देर रात 1:18 से लेकर 24 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होगी। इसलिए 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस साल अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:42 से लेकर 6:59 तक रहने वाला है। संध्या काल में तारे देखने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। इस समय व्रती तारों को देखकर व्रत खोल सकती हैं। अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफ़ेद धातु की अहोई माता की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प दीप आदि रखें। सबसे पहले अहोई माता को रोली, पुष्प, दीप अर्पित करें। उन्हें दूध भात का भोग लगाएं। फिर हाथ में गेहूं के साथ दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन लें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन निकालें और जल के छींटे देकर सुरक्षित रख लें। अहोई माता के व्रत में बिना स्नान किए व्रत पूजा अर्चना न करें। काले, गहरे, नीले रंगों का प्रयोग बिल्कुल न करें। व्रत विधान में किसी भी जीव जंतु को चोट न पहुंचाएं और न ही हरे भरे वृक्षों को तोड़ें। अहोई माता के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई सारी पूजा सामग्री को दोबारा इस्तेमाल न करें। पुराने मुरझाए फूल या पुरानी मिठाई व्रत में प्रयोग न करें। चलिए जानते हैं अहोई व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक गांव में एक साहूकार की पत्नी रहती थी। उसके साथ बेटे थे। एक बार दीपावली से कुछ दिन पहले पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की सजावट के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी कुदाल से स्याहे यानी कि साही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इस घटना का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह घर वापस आ गई। उस घटना के बाद धीरे धीरे उसके सातों पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। एक दिन साहूकार की पत्नी ने एक पंडित से अपनी पीड़ा का कारण पूछा। पंडित ने उसे बताया कि जिस दिन साहे का बच्चा मरा था उसी दिन से तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हो रही है। पंडित ने उसे सुझाव दिया कि वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत रखें और सच्चे मन से प्रायश्चित करें। साहूकार की पत्नी ने पंडित के कहने पर अहोई माता की पूजा और व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और पूजा से माता अहोई प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सभी पुत्रों को जीवन दान दिया। तब से यह मान्यता बनी हुई है कि जो महिलाएं इस दिन अहोई माता का व्रत रखती हैं और श्रद्धा से पूजा करती हैं, उनके संतान दीर्घायु और समृद्ध होती हैं।